हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, एनम जीनम के, जो आप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। FSHLH से संबंधित निम्न कथन सत्य है। ऑप्शन ए, रिलीज्ड फ्रॉम एंड पिट्यूटरी। ऑप्शन बी, सिक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन सी, सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। ऑप्शन डी, स्टिमुलेट मिल्क फॉर्मेशन। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए, रिलीज्ड फ्रॉम एंड पिट्यूटरी। क्वेश्चन नंबर 2। वृद्ध व्यक्ति तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन ए, थाइमस ग्लैंड। ऑप्शन बी, पैरोटिक ग्लैंड। ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन डी, स्वीट ग्लैंड। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, स्वीट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मरीज को नींद न आने की समस्या की समाधान हेतु उपयुक्त नर्सिंग एक्शन है। ऑप्शन ए, एवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ऑप्शन बी, एवॉइड लार्ज मील बिफोर स्लीप। ऑप्शन सी, रेगुलर एक्सरसाइज इन ए डे। ऑप्शन डी, ऑल अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न मरीज में एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम का खतरा है। ऑप्शन ए, पेशेंट विल इलियोस्टोमी। ऑप्शन बी, पेशेंट विथ रेनल फेलर। ऑप्शन सी, पेशेंट विथ जीआई प्रॉब्लम। ऑप्शन डी, पेशेंट टेकिंग डायरेक्टिव। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, पेशेंट विथ रेनल फेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। DUN में निरंतर बढ़ोतरी किस बीमारी का प्राथमिक लक्षण है? ऑप्शन ए, डिहाइड्रेशन। ऑप्शन बी, एंड स्टेज लिवर डिजीज। ऑप्शन सी, GI ब्लीडिंग। ऑप्शन डी, रेनल फेलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड स्टेज लिवर डिजीज। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि BUN का फुल फॉर्म क्या होता है। बन यानी BUN का फुल फॉर्म ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कैनुला मेथड द्वारा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की दर होती है। ऑप्शन ए, 6 से 8। ऑप्शन बी, 3 से 5। ऑप्शन सी, 6 मिनट। ऑप्शन डी, 8 से 10 मिनट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पित्त के द्वारा हमारे शरीर में वसा का इम्यूलसिफिकेशन कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए, लीवर। ऑप्शन बी, एब्डोमेन। ऑप्शन सी, ड्यूडेनम। ऑप्शन डी, पैनक्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूडेनम, करेक्ट। नेक्स्ट, स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निम्न द्वारा स्रावित होता है या किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए, कॉर्पस कैलोसम। ऑप्शन बी,
कॉर्पस एल्बिकेंस, ऑप्शन सी कॉर्पस ल्यूटियम, ऑप्शन डी कॉर्पस यूटेरी। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्लेसेंटा का निर्माण सामान्यतया इस महीने तक पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए बाय 15 डेज, ऑप्शन बी बाय फर्स्ट मंथ एंड ऑप्शन सी बाय सेकेंड मंथ, ऑप्शन डी बाय थर्ड मंथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाय थर्ड मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में सामान्य आर्टेरियल ब्लड पीएच होता है। ऑप्शन ए 7:32-8:30 पीएच, ऑप्शन बी 7:35-7:45 पीएच, ऑप्शन नंबर सी 7:15-7:30 पीएच, ऑप्शन डी 7:45-8:30 पीएच। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7:15-7:30 पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट साइड कार्डियक कैथेटराइजेशन हेतु उपयुक्त साइट है। ऑप्शन ए ब्रैकियल आर्टरी, ऑप्शन बी फीमोरल वेन, ऑप्शन सी फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन डी एंटी क्यूबिटल आर्टरी। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी फीमोरल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाथी पाव फाइलेरियासिस किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए बाय डोमेस्टिक फ्लाई, ऑप्शन बी बाय मॉस्किटो, ऑप्शन सी बाय फ्रूट फ्लाई एंड ऑप्शन डी ऑल अबव। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी बाय मॉस्किटो। ऑप्शन निम्न में से किस क्रिया के दौरान पोलर बॉडी नामक संरचना बनती है। ऑप्शन ए ओगेनेसिस, ऑप्शन बी स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी गैमेटोजेनेसिस एंड ऑप्शन डी ऑल अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 14, श्वसनीय संक्रमण से पीड़ित इन्फेंट की श्वसन दर 35 ब्रेथ मिनट है। नर्स को निम्न कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए रिपोर्ट द फिजिशियन, ऑप्शन बी ओडब्ल्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी चेंज द पोजीशन एंड ऑप्शन डी रिकॉर्ड द फाइंडिंग। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्ड द फाइंडिंग। नेक्स्ट, बैसिलर स्कल फ्रैक्चर के मरीज हेतु निम्न क्रांटा इंडिकेटेड है। ऑप्शन ए आईवी लाइन, ऑप्शन बी ओरल डाइट, ऑप्शन सी नेसोट्रैकियल सक्शनिंग, ऑप्शन डी आईएम इंजेक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन की प्रकृति है। ऑप्शन ए हीट लिएबल प्रोटीन, ऑप्शन बी हीट स्टेबल प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपोपोली, ऑप्शन डी लिपिड। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में वैसो एक्टिव ड्रग है। ऑप्शन ए डोपेमाइन, ऑप्शन बी डिजिटेलिस, ऑप्शन सी मॉर्फिन सल्फेट, ऑप्शन डी फेनोबार्बिटोन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डोपेमाइन वैसो एक्टिव ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 18, एंजिना के मरीज हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त औषधि है। ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी मॉर्फोन, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकिनेज, ऑप्शन डी हेपरिन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नर्सिंग कर्मियों में कुंठा का कारण नहीं है। ऑप्शन ए लेस पेमेंट, ऑप्शन बी हैवी वर्कलोड, ऑप्शन सी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी लेस स्लीप्स हॉलीडे। ऑप्शन सी हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाइपरकैलेमिया के मरीज हेतु इमरजेंसी ड्रग कौन सी प्रयुक्त होगी? ऑप्शन ए ओरली सोडियम, ऑप्शन बी आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन सी ओरली पोटेशियम, ऑप्शन डी आईवी कैल्शियम क्लोराइड। ऑप्शन बी आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प सेकेंड ट्रीमेस्टर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए FHR 180 बो, ऑप्शन बी डेवलपमेंट ऑफ फेटस, ऑप्शन सी ट्रैक्शन हिक्स कंट्रैक्शन, ऑप्शन डी क्यूकेनिंग। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए FHR 180 BOH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, CSF में NN परिवर्तन बैक्टीरियल मेनिंगिट्स को इंगित करता है। ऑप्शन ए इलेवेटेड ICO, ऑप्शन बी क्लाउडी CSF, ऑप्शन सी इलेवेटेड प्रोटीन लेवल, ऑप्शन डी ऑल एबव। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी ऑल एबव। नेक्स्ट, ड्रग्स डज कैलकुलेशन में MLD का अर्थ है। ऑप्शन ए मिनिमम लार्ज डोज, ऑप्शन बी मिनिमम लेथल डोज, ऑप्शन सी मिनिमम लॉन्ग एक्टिंग डोज, ऑप्शन डी ऑल एबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मिनिमम लेथल डोज। नेक्स्ट, पुरुषों में सर्वाधिक होने वाला कैंसर का प्रकार है। ऑप्शन ए लंग कैंसर, ऑप्शन बी किडनी कैंसर, ऑप्शन सी प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन डी लीवर कैंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट, हिप्नोसिस निम्न बीमारी में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ऑप्शन ए एंग्जायटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी हाइस्टेरिया, ऑप्शन सी फोबिया एंड ऑप्शन डी मेनिया। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी हाइस्टेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, टॉर्मन सिंड्रोमा में गुणसूत्र पैटर्न होता है। ऑप्शन ए XO, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी XY, ऑप्शन डी XYY। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए XO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, प्रसव के तृतीय चरण में अचानक अत्यधिक रक्तस्राव निम्न का सूचक है। ऑप्शन ए हेमाटोमा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रेविया, ऑप्शन सी एटोनिक यूटेरस, ऑप्शन डी प्लेसेंटल सेपरेशन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी प्लेसेंटल सेपरेशन। नेक्स्ट, सिपनिया बिफिडा से ग्रसित नवजात की देखभाल में निम्न का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन मौजूद नहीं है, इस वजह से इसका आंसर होगा नॉर्मल सैलिन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विड्रॉल डायग्नोसिस टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है? ऑप्शन ए रिंग टेस्ट, ऑप्शन बी ट्यूब टेस्ट, ऑप्शन सी स्लाइड टेस्ट एंड ऑप्शन डी नॉन। ऑप्शन सी स्लाइड टेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति की टोटल लंग कैपेसिटी होती है। ऑप्शन ए 5,800 ml, बी 4,600 ml, सी 36,000 ml, ऑप्शन डी 3,000 ml। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए 5,800 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से न्यूरो हार्मोन है। ऑप्शन ए एसटीएल-कोलाइन, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी एड्रेनालाइन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ठंडे रक्त के तेज गति से ट्रांसफ्यूजन करने से निम्न जटिलता उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ऑप्शन बी कार्डियक डिसहाइड्रेमा, ऑप्शन सी गिट डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन डी ऑल एबव। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी कार्डियक डिसहाइड्रेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33,
पीक्सा के मरीज में निम्न जटिलता पाई जाती है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी वोमिटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक लीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं? ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि आपको आ जाए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 1000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10। एक लीटर में 10 डेसीलीटर होते हैं। नेक्स्ट, पल्स पोलियो है। ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी लेपिन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम। पल्स पोलियो एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। पिजिन चेस्ट किस बीमारी का लक्षण है? ऑप्शन ए एम्फीसीमा, ऑप्शन बी मेरिस्मस, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी अस्थमा। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। चाइल्ड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम को ICD-10 के किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन ए F80 से F39, बी F92 F98, ऑप्शन सी F72 F79, ऑप्शन डी ऑल एबव। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ऑल एबव। नेक्स्ट, हाइपोक्सेमिया का अर्थ, आइए जानते हैं हाइपोक्सेमिया का अर्थ क्या होता है। लो OW लिविंग इन द ब्लड, इसका अर्थ होता है लो OW लिविंग इन द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हेपाटाइटिस बी वैक्सीन का प्रकार है। ऑप्शन ए लिवर वैक्सीन, ऑप्शन बी गिल्ड वैक्सीन, ऑप्शन सी टोक्साइड, ऑप्शन डी क्लोनेट सबनेट। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, क्लोनेट सबनेट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में कौन सी बीमारी वंशानुगत है? ऑप्शन ए रतौधि, ऑप्शन बी गंजापन, ऑप्शन सी वर्ध्यता, ऑप्शन डी बेरीबेरी। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, रतौधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। पसलियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 24। राइट आंसर इज द 24। मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। जत्रुक की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2। जत्रुक की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। पंजे की अस्थियां कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 2। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, 5। मनुष्यों में पंजे की अस्थियां 5 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। मनुष्य की श्वसन गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 70 बार प्रति मीटर, बी 16 बार प्रति मिनट, सी 12 बार प्रति मिनट, डी 10 बार प्रति मिनट। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, 16 बार प्रति मिनट मनुष्यों की श्वसन गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हथेली की अस्थियां कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18 एंड ऑप्शन डी 20। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 14। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता ही रहा होगा, हथेली की अस्थियां 14 होती हैं। हे माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारे क्वेश्चंस आंसर पसंद आए होंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं।
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा था आज का वीडियो। ओके?